30s के अंदर ये सस्पेंड हो गई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने सर्वाइव किया था. तो आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि आपको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए. मैं एक कमेंट करूंगा इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की विजिट के बारे में कि क्या नाम वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, क्या नाम रिपब्लिक डे परेड की इंडिया से यहाँ पे आए थे. अच्छा. और वहाँ से उन्होंने वहाँ पे मसला उठाया था फलस्तीन का भी, और कहा था कि उनकी राइट ये इंडिया में उन्होंने इंडिया में उठाया था कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन जो है उनका हक उनको देना चाहिए. मगर कश्मीर का नाम नहीं लिया उन्होंने वहाँ पे. चलिए वो वहाँ पे इंडिया में थे एक जमाने में, तो वो फुली सपोर्ट करते थे, नहीं लिया वहाँ पे क्योंकि इक्वली इम्पोर्टेंट है कश्मीर. मगर अफसोस की बात यह है जहाँ तक मैंने आज अखबार में देखा है, जो यहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया है उसमें भी कश्मीर का उन्होंने जिक्र नहीं किया. अच्छा. तो दोस्ती अपनी जगह है, दूसरे ताल्लुकात हैं, और ये आप समझिए कि हमारी एक वीकनेस हो गई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं हमारे, और जो एक इमेज है बाहर, और विज़वी जो दुनिया की नई इमर्जिंग एक जो भी एक लॉट खड़ी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, एक जी हाँ लॉबी बन रही है और जो मिल रही है, इसके अंदर लोग जो हमारे बड़े करीब के जो हैं वो भी हिचकिचाते हैं सपोर्ट करने के लिए कश्मीर के लिए. और इसकी वजूहत एक बड़ी सिंपल ये है कि जब तक आप अपने जो मुल्क जो है उसको अंदरूनी तरफ से मजबूत नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये सियासी हाल, चलिए आपकी आपकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो जब आप बोलेंगे तो फिर इंडिया के खिलाफ वो फिर नोटिस लेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा खाल साहब, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम लॉबिंग में क्यों वीक हो जाते हैं, एक मुल्क आता है जिससे आप ताल्लुकात और मजीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सरताज अजीज साहब भी कह रहे हैं कुछ जो तजारत की कमोडिटीज थी, चीजें थी वो रुकी हुई थी, वो भी बहाल हो रही हैं, वो आबादी के लिहाज से मुस्लिम मुल्क में बड़े हैं, हम न्यूक्लियर मुल्क हैं वाहिद इस्लामी, तो ये एक अच्छा मिलन होने जा रहा है, एक तरह से नई शुरुआत होने जा रही है. लेकिन उसके बाद फिर वही मुल्क हमारी पार्लियामेंट से जो सबसे बड़ा सेनेट जो सबसे बड़े इदारे हैं ये उनसे खिताब करते हैं, जैसे अभी रिजवी साहब ने कहा, फिर हमारा वो इशू जिसके ऊपर 70 साल हो गए, 7 दहाइयां हो गई हैं, ना प्लेबिसाइड कोई पूरे करा रहा है, इसलिए क्योंकि आपके बड़े इदारों में खड़े होकर कोई बात नहीं करता उसके बारे में, तो फिर किस तरह आपकी लॉबिंग कमजोर ही रहेगी ना सर. इस तरह तो इसके यानी कई पहलू हैं और थोड़ा सा मुख्तसर वक्त है आपसे, जरा ब्रीफली हमें ये यानी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अब हिंदुस्तान जो है वो मतलब अब कहते हैं कि चंद सालों में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत होगी दुनिया की और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है. तो ये सर खुद ही वही कहते हैं सिर्फ, तो अक्सर लीडर्स जो है ना, अक्सर मुबालक जो है वो इस पे यानी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, सीधी सीधी बात है. अच्छा, नहीं बोलना चाहते सर. अगर हम बात करें कि आप कश्मीर के हक में तो बोले ना, किसी को बुरा ना कहें, हमें तो अच्छा कह दें, बस ये, अब ये यानी ये कुछ हकीकतें हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर. आज के प्रोग्राम में हम इख्तिताम करेंगे बात का यहीं पे, आगे जरूर जारी रखेंगे क्योंकि अब हमें कन्वेंशनल वॉर्स नहीं चाहिए, अब हमें डिप्लोमेटिक या इन्फॉर्मेशन वॉर्स चाहिए. बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम किस जगह पे खड़े हैं. आपकी जंग कोई और लड़ने नहीं आएगा, चाहे वो अल्फाज की हो या बंदूकों की जंग हो, कन्वेंशनल हो या इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, कोई लड़ने नहीं आएगा. आपके मुल्क में और मुल्क आते हैं, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है. मुस्लिम ममालिक के बीच में ताल्लुकात इस्तवार होने चाहिए, अच्छी बात है ये, इकोनॉमिकल भी. लेकिन वही मुल्क जब आपके मुल्क में आते हैं तो आपके वो इश्यूज जिसकी वजह से आप 70 सालों से बहुत जगहों पे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं उसके बारे में बात नहीं करते. अभी हमने जिक्र किया, रिजवी साहब ने बताया, आपकी सेनेट पार्लियामेंट में इंडोनेशिया के लीडर्स आते हैं, बात करते हैं, खिताब करते हैं, लेकिन आप में से कोई भी अपना कश्मीर के इशू का जिक्र नहीं करता. ना मालूम इसकी क्या वजह है, लेकिन इसकी वजह के रिजल्ट में आपका केस इंटरनेशनली और नेशनली कमजोर होता है, और जब कमजोर होता है तो फिर वो लॉबीज जो सेपरेटिस्ट लॉबीज होती हैं वो आती हैं और आपके कैपिटल में खड़े होकर नारे बुलंद करती हैं, नारे बुलंद करती हैं जिन नारों में वो कहती हैं डैम हमारे, पैसा हमारा और इस्तेमाल तुम कर रहे हो. ये बातें कहने का हक उन्हें इसलिए मिलता है क्योंकि आप अपने सेनेट और पार्लियामेंट में कश्मीर के इशू को रेज नहीं करते, आप अपनी जंग नहीं लड़ते तो कोई तीसरी पार्टी आती है और लड़ती है. आप आते हैं गुफ्तगू की तरफ. रिजवी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, आयशा सदीका कुछ अरसा पहले उन्होंने किताब भी लिखी, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी, जिसमें मिलिट्री के अगेंस्ट बड़ी चीजें उन्होंने,
बड़ी दुनिया पड़ी है जो हमारी मिलिट्री, हमारे पॉलिटिक्स, हमारी रियासत के खिलाफ लिख रही होती है, तो ये हमारे वाले बीच में से क्यों निकल के लिखना शुरू कर देते हैं, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि उनके साथ सत्ताज अजीज साहब की जो साहबजादी हैं और जो दामाद हैं वो जाते हैं और एनडीएस से मुलाकात करते हैं अफगानिस्तान में। ये अक्टूबर की बात है गालिबन पिछले साल की। इस तमाम चीजों के बाद हम क्या महसूस करें कि हमारे जो मौजूदा लोग हैं जो डिप्लोमेट्स और एनवॉयस के नाम पे काफी आगे तक जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करें, वो लॉबिंग करेंगे हमारे लिए? देखिए मतलब सर अच्छों के साथ हमारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। देखिए कैटेगरीज हैं जिसको आप देखेंगे, आरिफ अयूब जो हैं उनके सन इन लॉ सताज अजीज साहब के, वो रिपोर्ट के मुताबिक वो भी शायद गए थे इंडिया उनकी वाइफ के साथ गए थे। तो एक वहाँ पे आपको पता है हायर पीस काउंसिल बनी हुई है, जिस जो उनका एजेंडा ये है कि बात करें तालिबान से, बात करें और उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। अच्छा। तो अब ये सदीका जो हैं उनको उन्होंने किताब लिखी थी मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटी है वहाँ पे, उन्होंने जो उनके फैक्ट्स हैं उनके जिस तरह उनको समझ आई है वो उन्होंने वहाँ पे लिखी है। तो कोई फ्री एक्सप्रेशन है इसमें, क्या रियलिटी है क्या नहीं है, तो ये तो लोग बेहतर जानते हैं, जो पढ़ेंगे वो समझ सकते हैं। खालिद साहब इसके बारे में यही सेम बात आपसे भी पूछना चाहेंगे जिसे कंप्लीट किया। तो मैं ऐड करूंगा जो आपने जैसे कहा कि इस तरह जाते हैं, तो ये कोई अभी तक क्या कोई सबूत नहीं हुआ कि वो वहाँ पे जाके एक्चुअली मिले हैं, रॉ के एजेंट से मिले हैं जिस तरह आप कह रही हैं वहाँ पर हुआ है, और अगर गए भी हैं वहाँ पे और किसी से मुलाकात हुई है तो क्या बात है। यानी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, और जब उनके अपना नेशनल इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान को सेल आउट कर देंगे जाके, मैं ये नहीं समझता हूँ। मगर देखिए आपका कहना दुरुस्त है, ऐसे कोई एनवाय जो एक्स एनवाय है पाकिस्तान के, मगर मैं साथ साथ कहूँ नॉन कैरियर, जैसा हुसैन हक्कानी साहब है जो वहाँ बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के मिलिट्री के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया हुआ है, तो यह है इस तरह के। मगर इस केस के अंदर जिस तरह आप कह रही हैं, मुझे इसकी इल्म नहीं है इसके बारे के अंदर, जो खाली है ये हियर से, मगर पर्सनली मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा ठीक है खालिद साहब, एक तो इसके बारे में भी आपकी क्या राय है कि ये तमाम जब चीजें हो रही होती है तो कैसे हम अपनी लॉबिंग क्रिएट कर सकते हैं? दूसरी चीज, क्या डिप्लोमेट्स एनवॉयज हैं उनके थ्रू, एक टाइम था उनके थ्रू अमेरिका ने बड़ी जंगें लड़ी अपने एनवॉयज डिप्लोमेट के थ्रू, रशिया को अगर जेर किया है तो मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रांग डिप्लोमेसी ने किया है या उनकी इंटेलिजेंस ने किया, क्योंकि डायरेक्ट वॉर तो उन्होंने उनसे लड़ी नहीं है। क्या हमारे इतने कंट्रोल्ड हो सकते हैं कि हम इतने ज्यादा उनसे मैनेज करा सकें इस वॉर को, डिप्लोमेट्स और एनवॉयज हमारे इस लेवल पे हम उनको कर सकते हैं डील? मैंने पहले ही यानी अर्ज किया है कि हमारे और अमरीका के जो इस वक्त इंटरेस्ट हैं उनमें मुताबिकत नहीं रही, एक टाइम पे मुताबिकत थी। अच्छा, अभी तो ये हो रहा है कि अमेरिका, भारत, इजराइल, दे आर स्टॉन्च एलाइज, यानी बहुत करीब हैं ये, और ये मिलजुल के प्लानिंग कर रहे हैं, और एंटी मुस्लिम है वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक। तो पाकिस्तान के लिए अब क्या थी ऑप्शन? चीन के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना, रूस के साथ ताल्लुकात को कुछ डिवेलप करना, और जहां भी हो सकता है जैसे इंडोनेशिया के सदर आए हुए हैं, दूसरे लीडर्स आते हैं, हमारे लीडर्स जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि हम ये जो अमेरिका सेंट्रिक जो है या अमेरिका के ऊपर जो हमारा इन्हिसार जो था बहुत ज़्यादा, उसमें से हम भी निकलें और हम भी डाइवर्सिफाई करें बेसिकली, यानी अपने रिलेशन को, तो हम इस स्टेज पे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका में हम एम्बेसडर जिसको लगाते हैं जी, वो उन्हीं की एमा पे लगाया जाता है, अमेरिका की एमा पे ही पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका में तैनात है, किस हद तक की बात? सर फैक्ट्स जानना चाह रहे हैं क्योंकि अब तो वैसे शिफ्ट आ गए। ये अब डॉक्टर हमारा की इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेरे से बेहतर हो। लेकिन सर आप इस फील्ड के हैं, आपका ये एरिया है, एक अरसा हो गया है कि वहां पे एनवॉयज और डिप्लोमेट्स जाते रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ चीजें हैं जो नजर आई हक्कानी साहब के बाद स्पेशली, जो जहां तक मुझे समझ आई है
तो जो भी हुकूमत वक्त होती है ना वो सोचती है कि भई ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन कैपिटल है वॉशिंगटन, हमने कौन से बंदे को वहाँ भेजना है। और जनरली ये होता है कि जो हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके, ठीक है, मुशर्रफ साहब ने अपने बंदे चुन के भेजे, बेनजीर ने अपने लोग भेजे, हमारे का मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखे। हाँ बिल्कुल, उस हुकूमत का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक हो गया, वो चाहते हैं कि उसको सेफ गार्ड करें। अच्छा, अब इस सवाल के साथ साथ दूसरा सवाल ये जोड़ना चाहते हैं सर, अमेरिका की एमा पे यहाँ की गवर्नमेंट बदली जाती है, ये एक बड़ी आम फहम बात है, कोई कहता है सबूत दे इसके बारे में, तो शायद सबूत नहीं इतने दिए जा सकते, और सबूत जिसके दिए जा सकते हैं वो बातें आज तक कौन सी मानी गई हैं, कुलभूषण के सबूत हमारे सामने वो कौन मान रहा है, बताए कब गवर्नमेंट चेंज हुई है अमेरिका सर, ये एक वो बात है जिसके बारे में हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन कहते हैं अमेरिका की एमा पे यहाँ पे गवर्नमेंट्स बन रही होती है, अगर अमेरिकन आशीर्वाद मिल गया तो इस यहाँ पे वो सेटल हो जाएगी गवर्नमेंट, तो इस बात के पीछे अगर रियलिटी है ये नहीं पूछ रहे है या नहीं, अगर है तो अब शिफ्ट होने के बाद कितनी रियलिटी बाकी है। अमेरिका से तो लंदन का मेयर नहीं संभाला जा रहा है, आप क्या बात कर जी, देखिए अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि जो डिक्टेटरशिप हो मुल्कों के अंदर, क्योंकि डिक्टेटरशिप्स के जिसको वो सपोर्ट करते हैं उनको, उनका एक फलसफा था कि वो एक इकोनॉमिक हिटमैन उन्होंने बनाया हुआ था, वो क्या करते थे कि कॉर्पोरेट लोगों को भेजते थे मुल्कों के अंदर, उनको जाके कहते थे कि जी आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, ये हैं वो हैं, तो हम आपके लिए इसको डेवलप करेंगे और आपको कंसेशंस वगैरह देंगे, ठीक है, और जो वहाँ के एलीट थे उनसे मिल के उनको पैसे वैसे दे के वो करते थे, उनको फिर कर्जा हो जाता था, आम आवाम जो है वो कुछ नहीं कर पाते थे, तो फिर वो क्या चाहते थे कि इनको एडिटेशन करके उनको रिमूव कर लेते थे और अपना बंदा जो है वहाँ पे बैठा देते थे वहाँ पे, अगर वो नहीं हो सकता था तो फिर वो मिलिट्री कू करा देता था वहाँ पे, और मिलिट्री कू करके एक अपना कौन करवा देते थे, अमेरिका उनको सपोर्ट करके उनके खिलाफ जब करके उनको आसानी हो जाती थी कि उनसे जो चाहे वो करवा लें, और वन मैन हैंडल करना आसान है, वन मैन शो इज इजी टू हैंडल, तो हमने मैं यहाँ देख लिया जियाउल हक को देख लिया और आपने यहाँ पे मुशर्रफ साहब को देख लिया, तो ये यहाँ पे इनका ये हो जाता है कि बाग वो भी नहीं मानता है, जिस तरह हमने देखा है साउथ अमेरिका में देखा है कुछ मुल्क के अंदर, तो वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश की है, तो वो वहाँ रिजीम भी चेंज कर लेते हैं वहाँ पे, या मिलिट्री एक्शन भी ले लेते हैं। अच्छा, ये अफगानिस्तान का एग्जांपल है इराक के अंदर, ठीक है, सलाम को जिसको सर हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त सरताज अजीज साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सैयद खालिद साहब फॉर्मर एम्बेसडर, असलम रिजवी साहब फॉर्मर एम्बेसडर। सर आपसे ये जानना है कि इंडोनेशिया का जो अभी विजिट है उसके लीडर, उनके लीडर का जो पाकिस्तान में विजिट है, कोई अग्रीमेंट्स कोई ट्रीटीज हम करने जा रहे हैं उनके साथ, और इसके बेसिक जो मुहरिकात या पॉलिटिकल जो भी हम आगे देखेंगे इसके, वो क्या हो सकते हैं पॉसिबल? एक बात यह है कि इंडोनेशिया इस्लामिक दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी 26 करोड़ है, और पाकिस्तान की 20 करोड़ है, तो ये दुनिया के दो बड़े इस्लामी मालिक जो है, एक सबसे बड़े का दूसरे बड़े में जोड़ा हुआ, तो इस लिहाज से बहुत अहम है। दूसरा, ये बहुत अरसे के बाद हुआ, क्योंकि 60s में और 70s में हमारे इंडोनेशिया से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, ठीक, फिर उसके बाद वहाँ भी हालात बदल गया, यहाँ भी, तो वो फिर हो गया, तो ये बड़ा अच्छा मौका है सियासी ताल्लुकात को रिवाइव करने का, ठीक हो गया। और तीसरा, तिजारत के मौके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में काफी पिछले सालों में तरक्की हुई है और वहाँ बहुत एक्सपोर्ट है, तो आज जो विजिट था इसमें ज्यादा फोकस इसी चीज पे था, और इंडोनेशिया ने इस सिलसिले में हमारी जितने फल थे किंगनी या मैंगोज उस पर पाबंदी हटा दी है, अच्छा। राइस की इम्पोर्ट ज्यादा कर दी है, तो काफी आइटम्स पे कुछ 40-50 आइटम पे हमको ड्यूटी की रियायत दी है, अच्छा, तो उससे हमारी तिजारत बढ़ने के काफी इम्कान है। अच्छा सर, दूसरी चीज के साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे इसके हवाले से, मिलिट्री अलायंस जो जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, इसके बारे में भी कोई पेशरफ्त या कोई जिक्र हमने कर चुके हैं या करने वाले हैं इंडोनेशिया के साथ, क्योंकि दो बड़े मुस्लिम मुमालिक जैसे आपने कहा वो आबादी के लिहाज से और हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, उनका मिलन हो रहा है या वो मिल रहे हैं या किसी भी तरह से, तो किसी तरह की कोई बात मिलिट्री अलायंस के हवाले से भी की जा सकती है?
मेरा ख्याल है कि हमारे मिलिट्री लीडर्स का भी वहां दौरा हुआ और उनके लीडर भी यहाँ आए हैं पहले क्या कुछ अर्सा पहले, तो उस सिलसिले में जो काउंटर टेररिज्म है उस पर कोऑपरेशन हो रही है कि जो हमने स्ट्रेटेजी इख्तियार की है जो उन्होंने किया वहां भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं, तो उस सिलसिले में तावन हो रहा है। कुछ मेरा ख्याल है वेपन्स की परचेज के बारे में भी है, ठीक है, तो ये इस दौरे का तो इसका ये फोकस नहीं था लेकिन पहले पिछले साल इस पे बात हो चुकी है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम मुल्क जो हैं वो एक साथ नहीं कभी नजर आए हुए पिछली बहुत सी दिहाइयों में, स्पेशली 60s के बाद या 70s के बाद। अब हम देख सकते हैं कि ये एक चेंज शुरू होने वाली है। वो फिलहाल ये तो खैर कहना मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो मसले हैं ज्यादातर मिडिल ईस्ट में हैं, जो इस्लामिक मालिक में इख्तलाफात हैं, लेकिन चार बड़े इस्लामी मुल्क हैं जो कि जिनको मैं नॉन अरब मुस्लिम कहूंगा, तुर्की है और पाकिस्तान है, इंडोनेशिया और मलेशिया है। तो ये इस खित्ते से बाहर हैं लेकिन इनका रोल है। तो अगर ये चारों में, बल्कि मुझे याद है 2015 में जब इंडोनेशिया में समिट में इसी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने OIC की मीटिंग की के मेंबरान को बुलाया था फॉरेन मिनिस्टर्स को कि जी हम ये जो मिडिल ईस्ट के वाकयात हैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया को इस चीज में इंटरेस्ट है कि मुस्लिम उम्मा में यूनिटी पैदा हो, और पाकिस्तान को भी ये इंटरेस्ट है, तो इस पे मेरा ख्याल है कि मजीद पेशरफ्त हो सकती है, ठीक है, मलेशिया के मशवरे से और तुर्की के मशवरे से। इसराइल के बारे में क्या मौकफ इंडोनेशिया की तरफ से आता है? टोटल इत्तेफाक है जी, फलस्तीन के मसले पे बहुत एक्टिव हैं ये और कई जिक्र भी कर चुके हैं, और इस पे तमाम इस्लामिक दुनिया का मजमूई मौकफ है। ये ऐसा अहम मौकफ है कि इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। सर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या इंडोनेशिया का कहना है, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में जो हार्श आर्गुमेंट्स सुनने को मिले उसके बाद? मुझे इस पे भी मुझे मालूम कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये इशू बायलेटरल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात हैं, उनके अपने होंगे।